ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रोम ब्रदर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट स्ट्रोम। से अगर हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइस सब्सक्राइबर डिमांड है गाइस। सो इसी खुशी में गाइस तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके गाइस ऑल पर सेट कर दें। जैसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियो आएंगे और के न्यू वीडियो आएंगे तब आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाएगा गाइस। सो मेरे भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं गाइस कि सुंदर राम चौबे ने बोला है भाई MP5 का वीडियो बनाओ गाइस। MP5 का वीडियो इसीलिए हम लोग लेके आ चुके हैं गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा MP5 का टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ बेस्ट स्कीम्स का क्या है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ गाइस कि MP5 का जो इलेक्ट्रिकल बूस्टर है उसका काम क्या है गाइस। अगर आपका गाइस अगर डबल डैमेज कोई भी स्किन हो या फिर डबल एक्टिव फायर वाला हो, जो भी हो, अगर आपके पास डबल डैमेज वाला कोई स्किन है तो इसको अगर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिकल बूस्टर को तो गाइज रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है गाइज। अगर आपका डबल रेट ऑफ फायर वाला गन है तो गाइज ये उसको भी डब और इसे और एक रेट ऑफ फायर बढ़ा देगा गाइज। मीन्स गाइज और भी खतरनाक स्पीड से गाइज गोली निकलेगा उधर से। तो इसीलिए गाइज बिना लेट किए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं कि गाइज यहाँ पर होता क्या है, कौन सा बेस्ट स्किन होता है, कौन सा मेरा फेवरेट स्किन होता है गाइस। सो गाइस मैं तो अपना फेवरेट स्किन बताऊंगा आप लोगों को, बट गाइस आपका कौन सा फेवरेट स्किन है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा गाइस। और गाइस मैं आपको टॉप 5 बेस्ट स्किन बताऊंगा गाइस, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा गाइस मेरा कौन सा फेवरेट स्किन है और आपको कौन सा स्किन बहुत ही अच्छा लगा गाइस। मैं आपको टॉप 5 स्किन के बारे में बताऊंगा और जो 5वें नंबर में आता है वो है बम्बल बी गाइस। यहाँ पर आप देख रहे बम्बल बी रैटल, जो कि इसका एट्रीब्यूट है डबल डैमेज प्लस रेंज एक माइनस गाइस। एट्रीब्यूट इसका डबल डैमेज प्लस रेंज एक माइनस। अगर इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल बूस्टर लगाते हो तो गाइस ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसे क्यों मैं रखा हूँ गाइस 5वें नंबर पे ये मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं एक बंदे को मारूंगा, यहाँ पर उसका डैमेज देखिए गाइस, यहाँ पर उसका हेड शॉट देखिए 132 का हेड और बॉडी 18 to 24 का बीच में बॉडी शॉट लग रहा है गाइस। यहाँ पर और एक बार दिखाता हूँ गाइस 132 का हेड लगता है गाइस। अब टॉप 4 का भी देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा गाइस, यहाँ पर 24 का उसका बॉडी शॉट लगा, इसीलिए मैं इसे रखा हूँ गाइस टॉप 5 में 5वें नंबर पर इसे रखा हूँ गाइस। और एक बात बता देता हूँ गाइज आप लोगों को कि क्लास स्क्वाड रैंक या क्लास स्क्वाड खेल रहे हो तो गाइज आपको इलेक्ट्रिकल बूस्टर नहीं मिलेगा गाइज। और यहाँ पर लॉन्ग रेंज में आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर थोड़ा रेंज थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए गाइज यहाँ 12 डैमेज दे रहा क्योंकि मेरा लेवल 3 का 4 ग्रिप है। सो गाइज आप हमारे टॉप 4 के 4th नंबर पर आता है गाइज MP5 का इंपीरियल रूम गाइज का एट्रीब्यूट से डबल प्लस डैमेज और एक्यूरेसी एक सिंगल माइनस है गाइज। सो गाइस इसका क्या काम है, मैं इसे टॉप 4 में क्यों रखा हूँ ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ गाइस। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बंदा को मारूंगा गाइस, उसका डैमेज देखिए हेड डैमेज गाइस 137 का हेड डैमेज और बॉडी डैमेज देता है गाइस 25 का गाइस, इसीलिए मैं इसे टॉप 4 में रखा हूँ और गाइज ये 4th नंबर पे मेरा आता है। सो गाइज अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल बूस्टर लगाए तो गाइज ये मेरे तरफ से गाइज ये दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाता है गाइज। बट गाइज इलेक्ट्रिकल बूस्टर जो है ये बहुत कम जगह मिलता है गाइज, रैंक भी खेलने से बहुत कम जगह मिलता है, इसीलिए मैं इसे टॉप 4 में 4th नंबर पर रखा हूँ गाइज। सो गाइज हमारा जो तीसरे नंबर पर आता है जो गन है वो गाइज दोनों का एट्रीब्यूट भी सेम है। पहला है गाइज प्ले बॉय MP5 प्ले बॉय गन, जिसका एट्रीब्यूट है डबल रेट ऑफ प्लस और सिंगल मैगजीन माइनस। और दूसरे में आता है डेताई गाइज, जिसका एट्रीब्यूट सेम है गाइज डबल रेट ऑफ फायर प्लस और सिंगल मैगजीन माइनस गाइज। दोनों का काम एक ही है गाइज रेट ऑफ फायर गाइज, आपको आपके पास अगर है ये गन बिल्कुल यूज करे गाइज। हमारा जो गाइज दूसरे नंबर पर आता है वो है गाइज चैंपियन बॉक्स का MP5, जो कि अभी वेपन रॉयल वाउचर में चल रहा है, जिसका एट्रीब्यूट है डबल डैमेज प्लस रिलोड एक माइनस और मैगजीन एक प्लस मीन्स एमओ एक प्लस गाइज। गाइज मैं इसको टॉप 2 में क्यों रखा हूँ ये मैं बताता हूँ गाइज। जैसे कि यहाँ पर मैं एनिमी को मार रहा हूँ गाइज 143 का हेड गिरा। आपको पहले भी मैं आपको दिखा चुका था कि गाइज दो डबल डैमेज वाले गन दो, उसमें गाइज 132 और 137 का हेड गिरा था, जिसमें कि यहाँ पर 143
23 का हेड गिरा और बॉडी शॉट गाइस 26 का बॉडी शॉट यहाँ पर लगा। देखिए गाइस यहाँ 26 का बॉडी शॉट लगता है गाइस। अगर गन ये आपके पास नहीं है अभी तक गाइस, आप वेपन रॉयल में डायमंड वेस्ट करके ले सकते हो। अगर गन आपके पास है गाइस मीन्स डबल रेट ऑफ फायर वाला गन है, तो गाइस यहाँ पर डायमंड वेस्ट मत कीजिए गाइस, इतना भी खास नहीं है गाइस। और बहुत बंदे तो MP40 यूज़ करते हैं MP5 को छोड़ के गाइस। अब आता है माय फेवरेट पिंक बैरेज गाइस, जो कि नंबर वन पर है, टॉप वन पर है गाइस। मेरा फेवरेट गन है ये, मेरे पास परमानेंट है, इसीलिए गाइस मैं इसे टॉप वन पर रखा हूँ। और मेरा फेवरेट गन है जिसका एट्रीब्यूट्स है गाइस डबल रेट ऑफ फायर और एक रिलोड स्पीड माइनस है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, मैं इस एनिमी को मारूंगा हेड गाइज, और यहाँ हेड थोड़ा कम लगता है गाइज, लेकिन उसको ग्लूवल डालने का मौका नहीं देंगे गाइज। यहाँ पर 126 का उसको हेड लग गया गाइज, जिसमें मैं उसे ग्लूवल डालने का भी मौका नहीं दिया, और मैं यहाँ खुद ग्लूवल डाल के मेडिकेट मार लिया गाइज। इसीलिए गाइज रेट ऑफ फायर वाला गन को गाइज बिल्कुल आप यूज़ कीजिए गाइज। अगर आपके पास डबल डैमेज वाला गन है तो इसे यूज़ ना करके रेट ऑफ फायर वाला गन यूज़ कीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बूस्टर नहीं है तो गाइज ये अगर डबल रेट ऑफ फायर रहेगा तो बहुत ही काम दे गाइज। अगर आपके पास डबल रेट ऑफ फायर वाला कोई भी गन जैसे कि डेथा ही हुआ गाइज, प्ले बॉय या तो पिंक बैरेज वाला, जैसे तीनों गन के अगर स्किन अगर आपका पास होगा तो गाइज आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिकल बूस्टर का गाइज। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास स्क्वाड में गाइज, मेरे पास इलेक्ट्रिकल बूस्टर नहीं है गाइज, और मैं पूरा यहाँ पर स्क्वाड को गाइज ख़त्म कर दूंगा गाइज। आप लोग देखते रहिए, यहाँ पर मैं पूरा स्क्वाड को ख़त्म कर दूंगा गाइज। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइज एक लाइक बनता है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब, साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पर गाइज सेट कर देना। ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे गाइज। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।